तो दोस्तों ये है इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम का सबसे लग्जरी कार शोरूम, जिसके अंदर मैंने छोटी फॉर्च्यूनर कार को जायंट फॉर्च्यूनर कार के अंदर कन्वर्ट करवा लिया है। लेकिन आखिरकार इस शोरूम के मालिक ने इस कार को कैसे बनाया, इतनी बड़ी जायंट कार ये चलेगी, तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज है संडे और भाई आज मैं उठते ही काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था और भाई मेरे दोस्त की मिस कॉल आ रही थी फ़ोन के अंदर। भाई मैंने मिलाकर देखा और उससे पूछा क्या हुआ भाई, क्या कहना चाह रहा था। तो भाई उसने बताया कि अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम के अंदर एक कार शोरूम खुल गया भाई, जो कि कोई आम शोरूम नहीं है, जिसके अंदर भाई काफ़ी जो छोटी छोटी कारों को जायंट कार के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भाई मैं भी एक बार सुनकर हैरान हो गया था और भाई मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी जो फॉर्च्यूनर कार है भाई, काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ मैं इस कार को, क्यों ना इसको भी एक जायंट कार के अंदर कन्वर्ट करवा लिया जाए। भाई चलो जो भी है मैं एक बार करवाने की सोचता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं वीडियो देख लेता हूँ जो अपने दोस्त ने मेरे को भेजी है। भाई ये इसकी लोकेशन तो शायद मेरे को लग रही है विलेज एरिया के पास, जो घर है ना भाई वो उसका बैक जो रोड है भाई वहाँ पर लग रही है। बट ये मेरे को तो भाई अपनी फॉर्च्यूनर कार को वहीं लेके जाना पड़ेगा, तभी जाकर होगा भाई। चलो केजीएफ कार, बस मैं अपनी केजीएफ बाइक से लेकर एक बार लोकेशन ढूंढ लेते हैं, फिर अपनी जो भी है अपनी कार को लेकर चलेंगे और अपनी जायंट कार को करवा लेंगे कन्वर्ट। भाई अभी तो यहीं लग रही है, शायद यहाँ पर ही है ना वो लोकेशन, शायद फ़ोन में तो यही थी। भाई आगे चल के देखते हैं भाई लिटरली। और भाई वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि गाइज आपको जितनी भी नेक्स्ट वीडियो हमको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। वेट गाइस देखो सामने मेरे को शायद शोरूम दिख रहा हो, भाई साहब काफ़ी न्यू शोरूम लगा रहा है भाई। यहाँ पर ओनर काम कर रहा है किसी चीज़ का, भाई कोई कार है भाई उसमें काम कर रहा है भाई, इससे पूछते देखते हैं। हेलो सर, हमारी एक कार है उसको जायंट कार में मतलब बनाना है, कन्वर्ट करना है। हाँ बेटा हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, लेकिन तुमको जो है कार के पार्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जो इस सिटी के अंदर कई कई जगह पर है। अच्छा सर, लेकिन पार्ट ढूंढने के लिए आपको लोकेशन, मेरे को लोकेशन पता रहनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तेरे को लोकेशन बता देता हूँ, तेरे फ़ोन के अंदर डाल देता हूँ। अच्छा सर मैं नंबर देता हूँ, आप उसके अंदर डाल दो, फिर मैं ढूंढ कर ले आऊँगा। लेकिन फिर तो बना दोगे ना भाई? सर ने कह दिया कि हाँ भाई तुम्हारी जो भी है जॉइंट कार बन जाएगी, और सर ने मेरे को लोकेशन दे रखी है भाई, जिसके से अंदर भाई मैं जितने भी पार्ट है भाई जॉइंट कार के वो फाइंड कर सकता हूँ। सो भाई पहला पार्ट तो देखते जो भाई क्लिप है जो हमारी। ओके गाइज, ऑल राइट गाइज, ये तो मेरे को शायद इंजन लग रहा है भाई, भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है इंजन तो ये भाई लिटरली। यार ये तो लोकेशन दिख चुका है मेरे को, अब चलते हैं सीधा डायरेक्ट वहाँ पर, जैसे कि स्टंट एरिया आपको दिख ही गया होगा यहाँ पर आइए गाइज। भाई क्या खतरनाक स्टंट एरिया भाई, यहाँ से कैसे लेके जाऊँगा इंजन को, अरे बाप रे। शायद ये तो मेरे को पार करना पड़ेगा फिर जा कर ही जाऊँगा भाई। ये क्या करूँ भाई, यहाँ पर तो लोचा हो चुका है भाई काफ़ी ज़्यादा, अब मैं कुछ करना पड़ेगा शायद। देखो गाइस, ओ हो भाई वहाँ पर जाना पड़ेगा लिटरली गाइस मेरे को, और वहाँ से जंप करवाना पड़ेगा काफ़ी तेज़ भाई। चलो भाई रेडी हो जाए फ्रैंकलिन, काफ़ी ज़ोर की जंप मारनी है। ये ऑल राइट गाइस, कितनी खतरनाक जंप मार रहा है भाई फ्रैंकलिन। भाई थोड़ा और ऊपर ऊपर ऊपर, अरे रे बापरे बापरे बाप, कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, अरे रे 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 बाप रे यार। अब दोबारा से करता हूँ यार, वहाँ पर तो दोबारा से गिर चुका है, अनबैलेंस हो चुका था इसलिए। गाइस जल्दी 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 ऊपर ऊपर, और ऑल राइट गाइस ऑल राइट, सही चल रहे हैं अभी तक तो भाई साहब। और ये रैंप है भाई, इससे थोड़ा ऊपर। ओके गाइस क्या बात है, क्या बात है भाई, बच के ब्रेक 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 ब्रेक। अबे यार चलो कोई बात नहीं, चोट लगी इसके मतलब ये तो नहीं है, इंजन तो मिल चुका है हमको, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है भाई जायंट कार के लिए। भाई इसकी वायरिंग देखो यार कितनी खतरनाक लग रही है भाई लिटरली। अब हमको इंजन तो मिल चुका है, बट अब जो दूसरी लोकेशन है, जो हमारा दूसरा पार्ट है, वो कहाँ पर मिलेगा भाई? ऑल राइट गाइस, ये तो गाइस दूसरा शोरूम है जिसके अंदर अपनी कार की बॉडी रखी हुई है भाई, जॉइंट बॉडी तो काफ़ी खतरनाक लग रही है भाई लिटरली मेरे को। अगर भाई कार बनी तो आप सोच के देखो यार कितनी खतरनाक बनेगी यार जॉइंट कार भाई साहब। चलो भाई यहाँ पर तो है, लेकिन ऊपर है यार, ऊपर कैसे जाऊँगा मैं, सीढ़ियाँ लगी अंदर। सर से पूछते हैं, सर ऊपर जाने कोई रास्ता है? भाई इन्हें तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। ओ ऑल राइट गाइज, हमको दिख चुका है अभी रैंप भाई, इसको कुछ करना पड़ेगा मेरे को, अभी इसको लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर रखा है, इसको कैसे लेके आऊँ मैं यार? कुछ प्रोप्स वगैरह लगाने पड़ेंगे शायद मेरे को, यहाँ पर कोई दिख जाए प्रोप्स, शायद इससे यहाँ से चढ़ना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। नहीं होगा फ्रैंकलिन, नहीं होगा तुझसे भी, बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ से चढ़ना, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा यार।
कोई कुछ मिल जाए। ओके गाइज, यहाँ पर कुछ ओ अरे शायद यहाँ पर प्रोप्स रखे हैं भाई, इनकी मदद से शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। चलो भाई इसको वहाँ पर लेते हैं और भाई यहाँ पर लगा देता हूँ, शायद मैं अब चढ़ सकता हूँ यहाँ पर। ए चढ़ते हैं भाई। भाई फ्रैंकलिन शायद अभी भी काफ़ी बड़ा है यार, अभी भी चढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी मेरे को कुछ करना पड़ेगा भाई, शायद यहाँ पर एक और प्रोप्स लगाना पड़ेगा मेरे को, तभी जाकर मैं चढ़ पाऊँगा यार। भाई क्या प्रोप्स कहाँ से लेके आऊँगा अब मैं भाई। चलो कोई नहीं भाई, देखते हैं कुछ स्टंट वगैरह करके देखते हैं, फिर जाके चढ़ सकते हैं क्या पता। ऑल राइट गाइज, यहाँ से भाई कुछ उठा लेते हैं अगर प्रोप्स दिख जाए हमें। भाई यहाँ पर कोई दिख रहा है भाई? नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा यार। क्या कंस्ट्रक्शन एरिया पर भी कुछ नहीं मिल रहा भाई, क्या हो रहा भाई यहाँ पर? भाई अब कैसे जॉइंट कार को अनकन्वर्ट करूँगा भाई, लिटरली यार। यहाँ पर क्या सोच रहा है फ्रैंकलिन? अबे सोच क्या रहा है, ऊपर जाके देखेगा क्या? भाई ये फ्रैंकलिन ऊपर जा रहा है, पता नहीं इसको क्या दिख गया, पता नहीं क्या देखने के लिए जा। ओके गाइस, इसको भाई ये वाला प्रोप्स दिख गया जो भाई मेरे को नहीं दिखा। अच्छी बात है भाई, आंखें तो काफ़ी तेज़ हो चुकी है फ्रैंकलिन की। अब इसको लेकर चलते हैं भाई, यहाँ पर मैंने फिट तो कर दिया है, लेकिन अब क्या शायद मैं चढ़ सकता हूँ यहाँ पर? भाई देखते हैं यहाँ पर आराम से। भाई अब तो शायद लगता है मैं चढ़ जाऊँगा, और भाई चढ़ गया। ऑल राइट गाइस, हमारा काम तो कम्प्लीट हो चुका है यहाँ का। अब इसको रैंप को लेते हैं भाई, जो हमारा टफ काम है भाई, उसको तो अभी करना बाकी ही रह चुका है। अभी तो इसको वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा भाई हमें, क्योंकि भाई वहाँ पर चढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं था। ओके गाइज, मैंने यहाँ पर रैंप तो लगा दिया, अब हमको लेनी एक जंप। ओके गाइज, फ्रैंकलिन काफ़ी जंप ले, और बाप रे बाप, भाई साहब भाई कितनी खतरनाक जंप मारता है भाई, लिटरली यार। KGF बाइक भी काफ़ी खतरनाक हो चुकी है मॉडिफाई करवाने के बाद। और भाई अब यहाँ से चढ़ूँगा भाई, ये भी काफ़ी बड़ा हुआ है भाई यहाँ पर। भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी क्या कर रखा है इन लोगों ने भाई। चलो बाइक को यहाँ पर लगाते हैं, शायद चढ़ जाऊँ मैं इससे। ओके गाइज, यहाँ पर चढ़ तो चुका हूँ मैं बाइक के टेक्निक लगा कर। गाइज आप भी इससे भी चढ़ सकते हो, लेकिन अब हमको मिल चुकी है बॉडी, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है मेरे को एक्चुअली भाई। और भाई इंजन भी मिल चुका है मेरे को, और भाई बॉडी भी। अब भाई पार्ट तो काफ़ी ख़त्म हो गए, क्या अभी भी कोई पार्ट रह रहा है यार? शायद रह रहा है, इसका टायर वगैरह भी तो रह रहे हैं अभी। ओके गाइज, ये क्लिप दूसरी है भाई, तीसरी है बल्कि। ओके गाइज, इसके अंदर टायर ही निकले भाई, मैंने टायर का और टायर ही मिल गए भाई, अच्छी बात है यार। और ये इस शायद इस वाली बिल्डिंग पर है जिसके पीछे भाई काफ़ी ज़्यादा चोर भी थे पिछले साल। भाई चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर से मेरे को जाना पड़ेगा भाई, काफ़ी ज़्यादा रैंप लगा रखे हैं भाई इन लोगों ने। वो भाई एंड कहाँ भाई? यहाँ से वहाँ पर जाना पड़ेगा यार। भाई ऊपर है यार उस लिटरली यार, इतनी बिल्डिंग जो ऊपर है भाई, वहाँ पर मेरे को टायर मिलेंगे भाई साहब। यहाँ पर जाने के साथ साथ तो मेरी भाई बाइक की भी ये धज्जियाँ उड़ने वाली है लिटरली। भाई आराम से चल फ्रैंकलिन, ज़्यादा तेज़ मत चल, वरना यार गिर गया ना यहाँ से दोबारा से जाना पड़ेगा यार, मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता भाई साहब। चलो भाई वीडियो पोज कर देते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर मैं काफ़ी जो भी है बुढ़िया को पुश करके आ चुका हूँ आगे भाई। ओके ओके, यहाँ पर जल्दी अट जा अट जा अट जा, जल्दी चल जल्दी। ये क्या बात है, क्या बात है, शेर हो चुका है भाई, इसका तो शेर का अवार्ड मिलना चाहिए फ्रैंकलिन को। ओके गाइस, यहाँ पर रुक 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 रुक, ये ओके भाई साहब, काफ़ी ख़तरनाक एरिया बना रखा भाई, काफ़ी ख़तरनाक मिशन लग रहा है मेरे को भाई। ये भाई साहब इतना इजी नहीं लग रहा था, बट मेरे को काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है भाई यहाँ का तो सिस्टम जो भी है भाई। यहाँ से मोड़ दे, और भाई ऊपर कौन से ये लगा रखे है भाई ये बंदे ने? भाई ग्लिच है भाई, पूरा ग्लिच है गेम के अंदर भाई। यहाँ से निकलते हैं भाई लिटरली यार, काफ़ी हेडलाइट लगा रखी, कौन लेके आ रहा है भाई ऊपर इतनी ऊपर? भाई हेलीकॉप्टर भी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा भाई इतनी ऊपर लेके आते हुए समय। भाई मेरे को खर्दी जुकाम भी हो चुका है, ऊपर ऑक्सीजन कम लग रहा है मेरे को यहाँ पर शायद। भाई यहाँ पर सीधा लैंड कराना मेरे को इस बिल्डिंग के ऊपर। ओके गाइज, यहाँ पर रखे थे अपने टायर भाई, अगली बिल्डिंग पे शायद। ओहो, ये रहे हमारे टायर जो भी हमको मिल चुके हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं मेरे को, ये शायद भाई मेरे से भी बड़े हैं और बाइक से तो काफ़ी बड़े ही हैं। ओके गाइज, ये टायर मिल चुके हैं हमको, और इंजन भी मिल चुका है, और पूरी बॉडी भी मिल चुकी है। बस अब हमें भाई काम देखना है इस बंदे का। ओ माय गॉड भाई साहब, कितनी बड़ी लग रही है यार ये जायंट कार।
भाई फ्रैंकलिन से तो भाई काफ़ी ज़्यादा, भाई अभी भी काम कर रहे हैं ये ओनर भाई, अभी भी काम चल ही रहा था। हेलो सर, हमारी काम का कार जो भी है कंप्लीट हो चुका है। हाँ, काम का कार जो भी है, काम तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तुम अब फॉर्च्यूनर चला सकते हो। भाई साहब मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, इतनी बड़ी कार इन सिटी के अंदर भाई, लिटरली यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, चलाते समय भी भाई सिर्फ मैं इसका हैंडल मूव करते हुए भी भाई काफ़ी ज़्यादा। और ये गेट कैसे निकल गया यार भाई, सस्ते काम कर रखे यार।